इंसानी को थोड़ा सा डेंट पहुंचा है, उसके बाद से वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी भी लगता है कि जो देश के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, अगर अगर आप तमाम देश के सभी मुख्यमंत्रियों की आप गिनती करेंगे, और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछले एक दशक में विकास अपने राज्य को विकास के नए पैमाने पर देखे गए हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की गिनती होती है और नेशनल मीडिया में उनको इसी रूप में देखा जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप लोग कह रहे थे वही बातें दिल्ली का मीडिया भी उनके बारे में वैसे ही सोचता है, पीएम के मटेरियल हैं वो, ये भी अभी भी लोग सोचते हैं। ये अलग बात है कि हम इस पर अगर अधिक चर्चा कर दें, जैसे जयराम जी भी चिंतित हो रहे होंगे, तो कहीं और किसी की भ्रकुटि ना चमचाए उनके प्रति। लेकिन उनको लोग मानते हैं आज भी कि वो एक मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार हैं। आप लोगों से मैंने जो सवाल किया था उसमें अगर इजाज़त हो तो मैं भी अपनी कुछ बात कह दूं, इसलिए कि एक स्पेशल करस्पॉन्डेंट की तरह जब वो पहला चुनाव जो 2008 में हुआ था, उस चुनाव के पहले तकरीबन डेढ़ दो साल, तीन साल तो वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तकरीबन डेढ़ दो साल पहले से शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इत्तेफाक ये था कि जैसे आप बुंदेलखंड की बात कर रहे थे साकल्ले जी, बुंदेलखंड, महाकौशल और बघेलखंड, इन तीन जगहों पर तो मैंने उन्हें बहुत बार कवर किया। मैं एक टीवी के मैं उस चूँकि हमारे चैनल में परंपरा है हम सारे संस्थानों के नाम भी लेते हैं, तो सहारा समय का उस समय मैं स्पेशल करस्पॉन्डेंट था और मैं थे सब जगह जाकर उनको कवर किया था। एक टीवी के पत्रकार के नाते मुझे वो जिस तरह से लोगों के बातें करते थे, वहाँ जो भी लोग होते थे, जितनी भी संख्या होती, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की संख्या होती थी, सब लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात सुनते थे और वो बातें वही आती थी जो आप लोग कह रहे हैं कि उनको लगता था कि ये बिल्कुल अपने बीच का आदमी है, डेढ़ पसली का आदमी है, अपने बीच का आदमी है, सारी बातें। लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे बड़ी तकलीफ होती थी वहाँ। शायद आपके जो रिपोर्टर्स होंगे, आप संपादक लोग हैं, आपके भी जो रिपोर्टर्स होंगे उनको भी वो उस तकलीफ से जूझना पड़ा होगा, इसलिए कि वो ऐसी बहुत ढेर सारी बातें करते थे और मैंने तकरीबन डेढ़ दो साल उनको 40 से 50 सभाएं मैंने कवर की और मैं तकरीबन डेढ़ दो साल उसी तरह से बोलते, उसी अंदाज में धारा प्रवाह बोलते और उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं बातों को ज़्यादातर बोलते देखा था। और मेरे लिए इतना बड़ा संकट होता था, इसलिए कि हम एक क्षेत्रीय चैनल में काम करते हैं जो पूरे मध्य प्रदेश उस समय करते थे, जो पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रसारित होता था, तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा ये होता था कि हम अब इसको कैसे वो बातें जो अभी पहले भी हम दो सभा पहले भी हम दिखा चुके हैं, फिर दो सभा बाद भी वही बातें आ रही, हम इसको करें कैसे, मेरे सामने भी एक बड़ा बड़ा संकट था। कुछ कह रहे हैं गणेश जी? रिजवान भाई, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। मैंने आपको अभी बताया कि हम लोगों ने भी वो स्ट्रेटेजिकली बात करी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि लाली लक्ष्मी यहाँ नहीं चलेगी जी, हमारी ही मजबूरी है, कितने बार बनाएंगे जी जी जी। अच्छा, वो सारी चीजें छप चुकी थी जी, तो हम लोगों ने, मेरे साथ एक पत्रकार साथी और थे जी, प्रकाश भटनागर थे जी, एक दफा एक और साथी थे, तो हम लोगों ने आपस में बात करके इस तरह की बात चलाई थी कि लाली लक्ष्मी यहाँ नहीं चलेगी, तो हमने कहा कुछ नया चीज निकल के आई है, और वास्तव में निकल के आई थी और काफी चर्चित भी रहा था वो भाषण उनका, बिल्कुल वो हेडलाइन बनती है अगर कोई नई बात आ गई, उससे बुंदेलखंड पे भी बड़ा प्रभाव पड़ा था उसका, उस बात का। दरअसल क्या है जी, उनके भाषण देने की जो शैली है धारा प्रवाह जी, अब तो कई मिमिक्री कलाकार भी उसकी नकल करने लगे हैं जी, तो वो जिस शैली में धारा प्रवाह बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यही भाषण कल ही दे चुके हैं, यद्यपि जिस विषय पे उनका या जिस जनसभा में बात करते हैं और जिन मुद्दों को लेके बात करते हैं, वो अपने नए नए तथ्य और नई नई बातें उसमें जोड़ते जाते हैं, लेकिन उनके भाषण का जो क्षेत्रीय बातें होती है, कुछ क्षेत्रीय बातें होती है, लेकिन बाकी कहे जाता रहा जी, कि जी, वो टेप में बटन दबा दीजिए और फिर वही रिपीट। हाँ, आप वही बात कह रहे हैं जो बहुत हम सुनते थे अपने पत्रकार साथियों से। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता जी, हम आते मैं अपना उपाय भी बता दूं कि टीवी के पत्रकार के नाते मैं क्या करता था। तो उस समय मैं यही करता था कि जनता के बीच में जाता था, उनके किन्हीं एक आध मुद्दों पर जनता से सवाल करता था, उनके काम करने के अंदाज पर लोगों से बात करता था, और जनता कोई नई नई चीजें मुझे जरूर देती थी, वही मैं खबर में बना पाता था और इन चीजों को उसमें साथ में जोड़कर कनेक्ट करके फिर हम आगे बढ़ते थे। लेकिन मैंने ये जरूर देखा उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक सांसद थे,
युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, लेकिन उस समय वो प्रदेश के नेता नहीं थे, प्रदेश में उतनी उनकी अपील नहीं थी, लेकिन वो जिस जिस जगह जैसे जैसे जा रहे थे अपनी बातों से, अपने उसी साधारण व्यक्तित्व से, वो आम आदमी तक इतना पहुंच गए थे, मैंने तो उनको आम आदमी के घर तक देख लिया, इसलिए कि कोई किसी के वो मामा थे, किसी के भाई थे, किसी के कुछ थे, और इतनी जल्दी कोई व्यक्ति किसी जनता के साथ इतना नजदीक पहुंच जाए, ये भी एक बड़ा अचरज और बड़ा, मतलब ये तो मैं कहूंगा कि शिवराज सिंह की एक बहुत बड़ी पट। इसको रिजवान भाई मैं कहूंगा कि इसमें बहुत अचरज नहीं करना चाहिए, और जैसा जो कैसेट और टेप और तथ्य का रिपीटेशन और ये इस तरह की जो चीजें आती है, अगर इसको एक मीडिया मैन की तरह मैं देखूं तो मैं ये कहता हूं कि शायद वो अकेले ऐसे राजनेता हैं कि एक छोटे प्रदेश में या चुनिंदा जिलों में जब वो जहां जाते हैं, आप और हम निश्चित तौर से मीडिया के लोग हमें परेशानी होती, लेकिन जो बहुत चुनिंदा चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को खुद, कई बार आपको पता होता है कि मैं आपके घर आ गया हूँ और आपने आते ही पूछा कि अरे आ गए भाई, मैं ही आया हूँ, मेरा भूत थोड़ी है। बिल्कुल वैसी स्थिति है कि जब स्वयं शिवराज बोल रहे होते हैं या सामने वाला बोल रहा होता है तो उसकी ग्राह्यता बढ़ती है, एंड इसको अगर हम पारिभाषिक शब्दावली में बोले तो इट्स कॉल्ड हैमरिंग थेरेपी, जो होती है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वो तथ्य जो है वो स्थापित कर देते हैं, रट जाते हैं लोगों को, वो रटाता है, इसीलिए तथ्य स्थापित हो जाता है। आप जो सीएम ने कहा वो ये स्थापित सत्य है, ये भी एक ताकत, तो स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसे हम मतलब हम ऐसा ऐसा ऐसे नहीं काम करें, वो कामयाबी हमारे पत्रकारों की परेशानी का मैं जिक्र कर रहा था। दूसरा, मैं अब एक प्रशासनिक मुख्यमंत्री, एक प्रशासन में कसावट की जो बातें हैं उस पर भी बहुत तरह के सवाल उठते हैं। गणेश जी, मैं वहाँ से अब शुरू करता हूँ, इसलिए कि ये जीरो टॉलरेंस और बहुत तरह की चीज़ें, निरंकुश हो गए हैं अधिकारी, अधिकारियों पर आपका दबाव नहीं है, आज मुख्यमंत्री ने कुछ कहा कि वो फाइल फेंकने वाला अंदाज उनका नहीं है, लेकिन हर बार सवाल यही उठता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो निरंकुश हो गए हैं, या उस तरह से जैसा एक दिखना चाहिए प्रशासनिक कसावट वैसी दिखती नहीं है मध्य प्रदेश में। ये सवाल मुख्यमंत्री के बारे में हमेशा उठते रहे। रिजवान भाई, ये सवाल आज से नहीं है, ये अब जब से बने हैं मुख्यमंत्री उसकी एक साल बाद से ही कहा जा रहा है, और कई बार तो ये कहा जाता है कि प्रशासन को कोई पकड़ नहीं है उनकी, प्रशासन निरंकुश है, चंद अधिकारी जो है सरकार चला रहे हैं, इस तरह की तमाम सारी बातें होती रहती हैं। मगर मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ, या एक खास बात बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना एक मूल स्वभाव होता है, और हर व्यक्ति उसके मूल स्वभाव के विपरीत काम नहीं कर सकता। तो शिवराज जी हमेशा जो है वो टकराव की राजनीति, राग द्वेष की राजनीति, रिवेंज की राजनीति, इस तरह की राजनीति में उनका विश्वास नहीं कभी भी, और वो भले खुद भी कहते कितना जीरो टॉलरेंस का, लेकिन वो किसी के भी खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनका मूल स्वभाव नहीं है। हाँ, एक बात जरूर मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें दिवेश भाई कह रहे थे जी। कि कोई माने या ना माने, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत की है, वो है रिश्तों की राजनीति, वो है विकास की राजनीति, वो है सभी वर्गों के कल्याण की राजनीति। मध्य प्रदेश में पहले कई बार राजनीति ऐसी हुई कि दलित एजेंडा आया, अगड़ों पिछड़ों की राजनीति हुई, इन सब से अलग शिवराज सिंह चौहान ने एक नई राजनीतिक विधा, एक नई राजनीतिक संस्कृति कहें उसको, इसकी शुरुआत करी है। उन्होंने सभी वर्गों में अपनी पैठ बनाई है, और ये बात तो हम मतलब सभी को मानना होगी कि जिस रूप में वो आए थे मुख्यमंत्री बन करके, उसके बाद उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करी और खुद को मध्य प्रदेश के एक जन नेता के रूप में स्थापित किया। तो उनकी एक शैली ये जरूर है कि वो सज्जन है, सहज है, सरल है, मगर जहाँ तक प्रशासनिक बात आपने कसावट की बात कही अभी आपने, और उन्होंने हम लोगों ने जब बातचीत के दौरान स्वीकार भी किया इस बात को, और उन्होंने हम लोगों ने फिर उन पर कहा कि साहब अगले 10 साल हो गए इसके बाद कुछ चेंज दिखेगा क्या, उनका कहना यह था कि उम्मीद करिए शायद कुछ चेंज दिखे जी। तो अपन उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद शिवराज सिंह चौहान जो है कुछ बदले स्वरूप में नजर आए आने वाले समय में,
यही कह सकते हैं, यही उम्मीद कर सकते हैं। सूचनाओं को लेकर आपसे गणेश जी आपसे आपसे ही सवाल है, वो सवाल बाकी सारे लोगों से भी मैं करूँ कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, अभी अभी हम पीछे भी कुछ बातों को करें या अभी हम ये सूखे की ही बात करें, तो सूचना बहुत देर से आ रही है, कुछ इस तरह की भी बातें लगातार उठती रही हैं, मीडिया कवरेज में भी होती रही हैं कि अधिकारी समय पर उन्हें जानकारी नहीं दे रहे हैं, या क्या इस तरह की भी कोई चीज़ें आपको लगती हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कि रिजवान भाई ऐसा तो नहीं लगता जी कि सूचनाएं लेट आती हो, मगर क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है, अफसरशाही हमारी जो होती है, ये बहुत चतुर और चालाक होती है। कुछ दफे हमारे मध्य प्रदेश के पुराने राजनेताओं ने कहा भी है कि अफसरशाही उस घोड़े के समान है कि इसकी अगर लगाम ठीक से नहीं रखोगे तो ये आपको गिरा देंगे। तो अफसर समझ जाते हैं कि शिवराज सिंह जी किस तरह के व्यक्ति हैं, वो कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे, बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए क्या है कि थोड़ी सी लापरवाही है, थोड़ी सी लेतलाली है, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है कि गणेश भाई जो बोल रहे हैं मैं पूरी तरह से उससे इत्तफाक नहीं, गणेश भाई कुछ संभल संभल कर कह रहे हैं, हाँ मैं पूरी तरह से इत्तफाक इसलिए नहीं रखता कि अगर ऐसा होता तो जो कल के जो दो फैसले एक साथ हुए, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पूरे मीडिया जगत से लेके सब दूर ये खबर थी कि राजगढ़ कलेक्टर को बदल दिया गया है, आनंद जी को बदल दिया है, मतलब वहां से हटा दिया है, मालपानी पे उस टेप के बाद कार्रवाई हो गई है। ये आदेश जारी शाम को जब हम उनसे बात कर रहे थे शाम को कि साहब वो सवेरे से खबर थी तो हम लोगों ने खबर ले ली है, बोले मैं हूं ना, मैं कंफर्म कर रहा हूं, बोले वो तो उसके स्थान पर कौन आएगा वो नहीं हम तय कर पाए थे, इसलिए थोड़ा सा उसको रिटर्न जारी करने में वक्त हुआ है, लेकिन मौखिक आदेश तुरंत कर दिया है। ये जो एक्शन लेने का मादा जो है, ऐसे बहुत सारे पीएस लेवल से लेके एसीएस और सीएस लेवल के कई लोगों के कई सारे किस्से अगर सुनाने लगेंगे तो आज के छिलके हैं, पता नहीं किसकी कहां से क्या चीज निकलेगी, लेकिन एक मीटिंग में एक साहब ने कोई गलत आंकड़ा पेश किया था और उन्होंने उसको, चूंकि वो आंकड़े समझते हैं जानते हैं, उन्होंने जिस तरह से करेक्ट किया था, और इसे हम केवल ब्यूरोक्रेसी पे उनकी पकड़ ढीली नहीं है ऐसा कहने की बजाय कि पकड़ ढीली है, मुझे लगता है कि वो स्वतंत्रता दे रहे हैं काम करने की, और उसमें जैसे इन्होंने आनंद शर्मा ने किया कि जिसके पास ट्रैक्टर है टीवी है उसको नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं, इनकम टैक्स वाला और ये बाकी सारी बोल किसान है, इनकम टैक्स होते ही उन्होंने उसको करेक्ट किया। गणेश जी एब्सोल्युटली करेक्ट, गणेश जी आप कुछ कह रहे हैं जल्दी से कहिए फिर मैं जयराम जी के पास अंतिम तक कह लें। देवेश भाई ने कहा कि इन दोनों घटनाओं का जो आपने जिक्र किया है इसमें एक्शन लेना ही था, उनको लेना इसलिए था कि वो सार्वजनिक हो गया, उसके बाद बस्ता क्या है, पानी का जो ऑडियो उसके बाद बस्ता क्या है, आनंद शर्मा वाला एपिसोड पूरा सबके सामने आ गया था, वो लंबे समय तक एक कलेक्टर का चांटा मारने का लंबे समय तक चलता रहा, बहुत देर हो गई, ये सारी चीजें ये तो सार्वजनिक हो जाती है। एक कलेक्टर ने एक महिला को भी बहुत अभद्र भाषा में उससे बातचीत की, ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ये हिम्मत कैसे पड़ रही है या ये ऐसे लोग नहीं, ग्वालियर एसपी को हटाया, ऐसे बहुत सारे अगर हम गिनने लगेंगे तो एक एक करके सब घटनाएं याद आने लगेगी, बहुत सारे आईएएस आईपीएस जिनको एक्शन लेना चाहता हूं कि उनका क्या स्वभाव इस तरह का है, हां वो मतलब उतना सख्त नहीं हो पाते, हां इसमें सौम्य है, ये सरल है। जयराम शुक्ला जी आपसे भी मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा इसलिए कि वक्त की अब कमी है। देखिए अभी तो जब सूखा और सूखे की बात आई तो पहली बार ऐसा हुआ कि पीएस सेक्रेटरी और कलेक्टर लेवल के लोग तो फील्ड में रहते ही हैं, पीएस सेक्रेटरी और इवन पुलिस के, इस पर भी सवाल उठे हैं कि ये जो एक्शन एक महीने पहले ले लेना चाहिए था वो एक महीने बाद अधिकारियों ने समय पर नहीं बताया, मुख्यमंत्री विदेश चले गए, उनके बाद जब मुख्यमंत्री आए तो उन्हें लगा इतने बड़े पैमाने पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत संकट हो गया है, एक फसल खराब हो चुकी थी, दूसरे फसल को बोने का मौका था, और जब तक इन सारी चीजों इन पर बहुत तरह के सवाल। देखिए क्या है कि कलेक्टर है, कलेक्टर फिर एसडीएम है, तहसीलदारों पटवारी तो पूरी एक श्रृंखला जाती है। अरे साहब अब तो संचार क्रांति का युग है, एक मिनट में दुनिया में सारी बातें पहुंच जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, एक प्रशासन का नेटवर्क है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बल्लभ भवन से अधिकारियों को, पुलिस मुख्यालय से अधिकारियों को निकालकर उन्होंने गांव भेजा,
चौपाल भेजा, खेतों को देखने के लिए भेजा, उस पर भी बहुत तरह की चीजें की अधिकारी। अब उसमें पर्यटन चला गया, अधिकारी इस बात का संकोच भी नहीं करते, यही बातें हैं, इसी पर तो बात कर रहे हैं। नहीं तो देखिए क्या है कि यही सब चीजें जब जनता के सामने एक्सपोज होती, ये भी एक तरीका है किसी को मर्यादित करने का, ये भी एक तरीका है कि जनता के सामने उसको एक्सपोज होने दो। उसको भेजा तो हमने जनता का दुख दर्द देखने के लिए। चलिए अब जीरो टॉलरेंस इसी तरीके से लेकिन वो पर्यटन मना रहे हैं तो आखिर किसी न किसी माध्यम से वो एक्सपोज तो होते हैं और तब उनको ये सबक तो मिलता ही है कि हम अगली बार जब ऐसा व्यवहार या बर्ताव करेंगे तो फिर जनता के सामने एक्सपोज होंगे। तो ये भी प्रशासन को दुरुस्त करने का एक तरीका हो सकता है। सबका अपना अपना काम करने का तरीका, अपना अपना अंदाज है। 10 साल उनके पूरे हो गए हैं, उनके 10 साल के बाद बहुत तरह के लोग सवाल भी उठाएंगे, बहुत तरह की बातें भी करेंगे, बहुत सुझाव भी देंगे, कुछ आलोचनाएं भी होंगी, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। जयराम शुक्ला आप हमारे साथ जुड़े, देवेश कल्याणी आप हमारे साथ जुड़े और गणेश साकल्ले आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आगे भी उनका इरादा मध्य प्रदेश में की जनता का सेवा करने का है। उन्होंने बहुत साफ साफ इस सारे मामले पर कहा है कि उनकी इच्छा प्रदेश में ही रहने की है और प्रदेश की जनता की सेवा करने की है। प्रदेश की जनता ने ही उन्हें जननायक बनाया है और पूरे देश में उनकी चर्चा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें भी तकलीफ देती हैं, जिन्होंने भी आज चर्चा में उन्होंने उसको बड़े साफ गोई के साथ स्वीकार भी किया है। लेकिन ये तो राजनीति है, राजनीति के दांव पेच है और शह और मात का खेल भी चलता है और लोकप्रियता और अलोकप्रियता ये दोनों भी चीज़ें राजनीति का ही पक्ष है। तो अब जनता उनके बारे में क्या सोचती है, आने वाला वक्त उनका कैसा रहेगा, इस पर सबकी निगाह है। लेकिन फिलहाल उनको 10 साल पूरे करने पर शुभकामनाएं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ और कल हम आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।